attacking the ARP chief Arvind Kejriwal over his controversial media remark. BJP leader and deputy leader of opposition in the Rajya Sabha, Ravi Shankar Prasad, today said ARP leaders are showing a fascist behavior. He added the nation will never accept such people as its leaders. Terming Kejriwal's remark that whole media is sold out as unfortunate, Prasad said BJP supports media freedom. He alleged Arvind Kejriwal is threatening media by saying that biased media personnel will be jailed if his party comes to power. आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल अब सीधा मीडिया को धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जेल भिजवाएंगे उन मीडिया के लोगों को जो पैसे लेते हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी हैसियत मीडिया के कारण बनी है। सुबह से शाम लाइव बोलना, देश में जहां जाना सैकड़ों कैमरा पीछे चलना, तो जब तक मीडिया उनकी स्तुति गान कर रहा है तब तक तो मीडिया बहुत अच्छा है। आज जब उनके कई कारनामों के कारण मीडिया उनसे सवाल कर रहे हैं तो आज वो कह रहे हैं मीडिया पेड़ है। Prasad said the party is only creating problems for the public and will receive an answer in the upcoming Lok Sabha polls. और मैं केजरीवाल जी को बताना चाहूंगा कि वो राजनीति में नए आए हैं, हम लोगों ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की खिलाफत की है। उस समय इंदिरा गांधी और उनके कई दरबारी लोग इसी प्रकार की भाषा बोला करते थे कि मीडिया को जेल में भिजवा देंगे और देश की जनता ने 1977 में उसका जबरदस्त उत्तर दिया। केजरीवाल जी, अभी आपको देश को बहुत समझना बाकी है, कृपया करके प्रेस की आज़ादी और प्रेस के बारे में इस तरह की तानाशाही बातें बोलना बंद करें। दिस रिपोर्ट वॉज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।